18 जून को 5 लोग 2-2 करोड़ रुपीस का टिकट खरीद के एक सबमरीन में बैठकर डूबे हुए टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए जाते हैं, जो कि लगभग 4 किलोमीटर नीचे अटलांटिक ओशन में पड़ा है। लेकिन समंदर में जाने के 1 घंटे 45 मिनट बाद ही सबमरीन से कॉन्टैक्ट टूट जाता है। फिर इसे ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और 5 दिन बाद 23 जून को खबर आती है कि लापता हुई सबमरीन गहरे पानी के प्रेशर की वजह से सिर्फ 20 मिलीसेकंड्स में कुछ इस तरह कोलैप्स हो गई और उसके टुकड़े टाइटैनिक के मलबे से 1600 फीट दूर पड़े मिले और सबमरीन में बिलेनर्स यानी कि जो बेशुमार अमीर 5 लोग थे उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया गया, जिनकी बॉडीज कभी नहीं मिलेंगी।